बैंक ओवरड्राफ्ट बीइंग अ लायबिलिटी इज टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिट पे क्या क्या आएगा? इनकम आएगा, लायबिलिटी आएगा और गेन्स आएंगे। कैपिटल इज माई इंटरनल लायबिलिटी, सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग क्रेडिटेड। रिजर्व्स क्या बताया था कल? रिजर्व के बारे में लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज बीइंग केप्ट असाइड एंड वी आर लायबल टू यूज इट फॉर सम पर्पस। वी कांट हैव आवर ओन डिस्क्रिशन, हम अपनी मर्जी से उसे यूज नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई इट इज आवर लायबिलिटी इनडायरेक्टली। बीपी, what is BP? Bills payable. What is bills payable? It is a current liability with which we promises to pay to our creditor a specified sum of money after a specified time period. So हम अपने creditor को promise करते हैं एक amount pay करने को। Sundry creditors, मिले जुले सारे मेरे suppliers हैं जिनसे मैंने उधार पे सामान खरीदा है। अकाउंट पेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीपी एंड क्रेडिटर्स बोथ। ठीक है, अकाउंट पेबल। परचेज लेजर, व्हाट इज परचेज लेजर? हाँ, वैसे इसको परचेज बुक लिखना चाहिए था, है ना? तो लाइबिलिटी होनी, परचेज बुक लिखना चाहिए था, इसने परचेज लेजर लिख दिया। बैंक लोन लाइबिलिटी है। सेल्स इनकम है, राइट? परचेज रिटर्न टू बी क्रेडिटेड, परचेजेस आर डेबिटेड, परचेज रिटर्न इज टू बी क्रेडिटेड। मॉर्टगेज पेबल, आपने किसी को लोन दिया, आपने लोन के बदले में उससे कोई सामान गिरवी रखा, जब वो लोन की वापसी कर देगा वो गिरवी रखा हुआ सामान भी आपको वापस करना होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉर्टगेज पेबल। ठीक है, वी आर लायबल टू रिटर्न बैक दैट मॉर्टगेज आर्टिकल और आइटम, सो दैट्स व्हाई इट इज आवर लायबिलिटी। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व्हिच हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट पेड, क्रेडिट तो होंगे लेकिन बीइंग अ लायबिलिटी क्रेडिट होंगे, इट्स नॉट आवर इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। प्रोविडेंट फंड, रुकेंगे इस आइटम पे, सुनिए जी, एनीबॉडी नोस? बोलो, कुछ हद तक ठीक आंसर बोला, लायबिलिटी है। हमारे इंडिया में रूल है कि हर महीने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी में से कुछ पोर्शन 10-20% काट के आपने, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है ईपीएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का, गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है। हर महीने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी का 10-15% काट के आपने इस फंड में जमा करवाना होता है। क्यों? जब उन बंदों की रिटायरमेंट होगी उनके पास सैलरी की इनकम तो नहीं रहेगी, तो दैट इनकम दे कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर फंड फॉर देयर सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि तब उनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुका होगा, ओल्ड एज हो चुकी होगी, तो क्यों ना अब उनकी यंग एज के दौरान उनसे कंपलसरली कुछ पैसा जुड़वाया जाए। अगर 10% आप एम्प्लॉय की सैलरी में से काटते हैं तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया 10% एम्प्लॉयर भी अपनी ओर से डालेगा, इट मीन्स कि उसकी सैलरी का तो 20% हर महीने जमा हो रहा है। This is tentative example, actual percentage is something else. जैसे हमारे स्कूल में भी हमारी सैलरी में से कटता है तो हमारा स्कूल भी अपनी ओर से उतनी अमाउंट डालता है। So every month our compulsorily saving is being there. अब ये liability क्यों है? आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना है, जब तक आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया यू आर लाइबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए क्या है, लाइबिलिटी है। What actually it is? It is an amount being deducted every month from employee's salary to be deposited to EPF, that is Employees Provident Fund Organization, साथ में O भी लगता है, organization है हमारी government की। अब हर महीने अगर पैसा जमा हो रहा है तो साल के end में या साल में दो बार 6-6 महीने के बाद इसके ऊपर interest भी मिलता है, तो हमारी amount बढ़ती जाती है। So at the age of 60 when we will get retirement we can withdraw this money. हम इस मनी को लमसम में भी विड्रॉ कर सकते हैं, अगर पैसा ज्यादा है तो आप उनको ये बोल सकते हैं हमारी मंथली पेंशन लगा दो, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में वैसे तो पेंशन मिलती नहीं है, आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन नहीं मिलती, सो बेटर टू सेव द मनी इन दिस फॉर्म। सो फ्रॉम हूज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ लायबिलिटी? बिल्कुल ठीक, एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ लायबिलिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्टाफ, सुना कभी ये? सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्टाफ,
हमारे स्कूल में ये भी रूल है, व्हेन एनी टीचर और एनी स्टाफ मेंबर गॉट परमानेंट अपॉइंटमेंट इन द स्कूल, द स्कूल अथॉरिटीज आस्क अस टू डिपॉजिट 2 months सैलरी एज सिक्योरिटी। हमारी 2 महीने की सैलरी को डिपॉजिट करवाया जाता है कैश में लेके या चेक लेके कि आपको ये 2 महीने की सैलरी हमारे पास डिपॉजिट करवानी है। क्यों? स्कूल का ये रूल है, आप स्कूल छोड़ने से पहले हमें कम से कम 2 महीने का नोटिस दोगे, ठीक है, ताकि हम अगले टीचर की अरेंजमेंट कर लें, हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई सफर ना हो, दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, ठीक है ना। कंपनीज में भी ऐसा होता है, उन्होंने रूल बनाया होता है या तो 1 महीने का नोटिस दो, अगर 1 महीने का नोटिस है तो 1 महीने की सैलरी ही डिपॉजिट की फॉर्म में वो रखेंगे, अगर 2 महीने का नोटिस मांग रहे हैं तो 2 महीने की सैलरी वो डिपॉजिट सिक्योरिटी की फॉर्म में रखेंगे। क्यों ऐसा किया? मान लो किसी बंदे को इमरजेंसी में छोड़ना पड़ता है तो जो आपकी सिक्योरिटी हमारे पास है वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ पेनालिटी ना। इफ यू वॉन्ट टू लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन गिव अस प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड नोटिस। यू कांट लीव द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट नोटिस। If you want to leave the organization without giving notice, then whatever security deposit was with us of you, that you have to surrender. आपको वो वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 महीने का नोटिस दिया, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस मिले, ठीक है। सो इट इज अ लाइबिलिटी ना। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिटर्न बैक टू देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि आपने अपने स्टाफ की सिक्योरिटी रखी हुई है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे, आप इसकी वापसी उसे करेंगे। आप मेरे को बताओ, ऑर्गेनाइजेशन को इसका फायदा है? इनडिसिप्लिन को कर्व करते हैं, ठीक है, और क्या फायदा? अगर मेरा 1 लाख स्कूल के पास डिपॉजिट है ना, और मेरी अपॉइंटमेंट हुई हुई है 2006 की, 15 साल तो यही हो गए, जब मेरी रिटायरमेंट होगी 15 साल तब और हो जाएंगे, 30 साल के बाद भी मेरे को 1 लाख ही वापस मिलना है। स्कूल ने तो उतनी देर का इंटरेस्ट लिया ना, अपने पास उन्होंने रखा, बैंक में डिपॉजिट करवाया ना मेरे नाम का पैसा। तो ऑर्गेनाइजेशन को वैसे इसके फायदे हैं, दैट इज इमटेरियल, बट बींग कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड नो। Am I clear to you? Amount वैसे तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन they are returning back the same amount to me at the time of my retirement without any interest. Getting it? So organization को इसके फायदे हैं, और एक तरह का employees को डरावा भी है। They will always try to give the notice beforehand. वो कोई अपना पैसा ऐसे गंवाना चाहेगा, हाँ बहुत ज्यादा emergency होगी, like उनका PR का कोई केस सॉल्व हो गया है और उनको अब्रॉड सेटल होना है, देन दे डोंट हैव द टाइम टू गिव द नोटिस ऑफ 2 months, देन आउटराइटली दे हैव टू लीव, और उनको नो ऑब्जेक्शन लेटर भी चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, तो इन दैट केस दे मे सरेंडर इट, और वो शॉर्ट नोटिस में ही चले जाएंगे। अदरवाइज कोई भी अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन हूसोएवर दे आर कीपिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इटसेल्फ, दे हैव टू रिटर्न बैक टू देयर एम्प्लॉयज व्हेनेवर दे लीव योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। डन, लायबिलिटी की नेचर पता चल गई, क्यों लायबिलिटी है। चलो जी आगे, लेट्स रीड नेक्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव, कहां से मिलता है इंटरेस्ट? कहां से मिलता है इंटरेस्ट? बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, मेरी इनकम है, बीइंग इनकम इट इज बीइंग क्रेडिटेड। रेंट रिसीव, अगर आप रेंट पे करते हो सकता है आपकी भी कोई प्रॉपर्टी हो जो आपने किराए पे दी हो, तो उसके ऊपर आपको रेंट मिलेगा, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, हु गिव्स डिस्काउंट टू यू? बिल्कुल ठीक, सप्लायर, इट इज आवर इनकम। What is bad debts recovered? एक जना बोलो, आप बोलो अक्षत। Bad debts recovered means? Okay. Amount of rupees 10,000 was declared as bad debt, which was recoverable from Jatin. After 2 months, that is now recovered. What entry we will pass, Krish Kundra? 10,000 which was declared as bad debt from Jatin, after 2 months this is now being recovered. What journal entry you will pass now? पुरानी चीजों को आना बहुत जरूरी है, और सिंपल एंट्री है, अकाउंट्स ऐसे नहीं आगे चलेगा। गुरकिरत आप बोलो, आपने एक बार भी सोचा? अभी डिस्कस कर रहे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम है, इनकम डेबिट होती है, आपने सोचा? देख लो फिर, बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड है, कैश इज कमिंग इन, कैश बुक में भी आएगा, रिसिप्ट साइड पे टू इनकम का नाम लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज आवर इनकम, बिकॉज़ इट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री। ठीक है कुणाल शर्मा, अगला पढ़ो।
इंटरचेंजेबल वर्ड है फिलहाल आपके लिए, अलग से एक चैप्टर करेंगे रिजर्व्स एंड प्रोविजन का, देन यू विल बी हैविंग अ क्लियर कट आइडिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, काहे के लिए पैसा साइड पे रखा, मशीन की रिपेयर हो सकती है, बिल्डिंग की रिपेयर हो सकती है, उसी पर्पस के लिए यूज करना है, यू आर लायबल टू यूटिलाइज इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, सो दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, व्हाई यू आर डाउटफुल अबाउट व्हाट यू आर डाउटफुल अबाउट व्हाट यू आर डाउटफुल whether we will receive the full amount from debtors or not, about which we are doubtful. और मेरा past trend कहता है कि 5% पैसा मर ही जाता है या 10% पैसा मर ही जाता है, तो आप पहले से ही उसके लिए provision बना के रखते हैं by following which principle of accountancy? Conservatism. Always provide for, never for profit. ठीक है? Provision for discount on debtors. Who will tell me about the meaning of discount on debtors and why the provision is required? Provision for discount on debtors. Very, very important point. Provision for discount on debtors. अगर बच्चे पैसे मरने के चांसेस हैं, तो ये भी चांस है कि कुछ डेटर्स मेरे को टाइम से पहले पैसा दे देंगे। मैंने उन्हें 3 महीने का टाइम पीरियड दिया, मेरा एक इतना रिप्यूटेड मेरा कस्टमर है कि वो 1 महीने के बाद ही मेरे को पेमेंट कर देता है। I will give him some incentive. मैं उसे कुछ पैसा छोड़ दूंगी, मैं उसे कुछ पैसा डिस्काउंट दे दूंगी, वो डिस्काउंट एक तरह का मेरे लिए लॉस है, तो लॉस की तैयारी पहले करके रखनी है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, हमेशा नेगेटिव थोड़ा ना सोचना है, पॉजिटिव भी तो सोचना है। कुछ डेटर्स अगर टाइम से पहले पैसा दे देंगे तो प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए हम उन्हें क्या करेंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे। अपने डेटर को डिस्काउंट देना मेरा क्या है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर की पहले से तैयारी करके रखनी है, इसलिए बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। खुशी क्या बोला मैंने, आपने मेरे को डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मीनिंग बताया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कब देते हैं डिस्काउंट, जब वो थिंग्स परचेज करते, आप बोलो। बिल्कुल ठीक है, when debtors will make us early payment, debtors होते ही, debtors पहले instantly कभी cash में pay करेंगे, debtors का मतलब ही क्या, उन्होंने credit पे खरीदा, they will not make the payment instantly, we gave them more time period, they are making me early payment, it's my duty, एक अच्छा businessman अपने debtors को अपने साथ हमेशा attach रखना चाहता है, customers के साथ अच्छे relation बना के रखना चाहता है, तो intentionally you are leaving certain amount, आप उन्हें कुछ पैसा छोड़ रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फॉर दैट यू हैव मेड प्रोविजन ऑलरेडी। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड लायबिलिटी है, कब लायबिलिटी होगी, कब लायबिलिटी होगी, नाम चेंज करो, कब कमीशन लायबिलिटी होगी, गुड, कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, व्हेन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस होता तो लायबिलिटी होता, टाइम से पहले मिली हुई इनकम इज आर लायबिलिटी, इनकम का मिलना इनकम है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, यू आर गेटिंग ट्रेनिंग अंडर समवन, ठीक है, आपने कभी सुना होगा वो अप्रेंटाइज की तरह काम कर रहा है, ट्रेनर, एक ट्रेनर है और वो ट्रेनी की तरह काम कर रहा है, अब उन ट्रेनर को, ट्रेनर जो है अपने ट्रेनी को कुछ स्टाइपेंड देता है, ठीक है, उसके डेली के खर्चों को मीट करने के लिए 5-7 हजार, तो इफ यू आर वर्किंग as a trainee under some senior and you are getting such type of income, it is your income to be credited. आम तौर पे businessman किसी के under कभी training लेता नहीं है, ठीक है, businessman ऐसे नहीं, पर हो सकता है अपना business चलाने से पहले उसने अपनी छोटी सी nominal सी books वगैरह बनाई हो और अपने किसी senior से वो business के tricks सीखता हो, तो daily basis पे या monthly basis पे वो उसको कुछ देता हो, so that can be his or her income. आम तौर पे ये आएगा नहीं कभी question में। उसके बाद है भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, साथ में लिखा है, इट मींस कि वो प्रॉफिट है, साल में कमाया गया प्रॉफिट, प्रॉफिट बीइंग क्रेडिट। मान लो यहाँ पे लिखा होता प्रॉफिट एंड लॉस को मैं हमेशा पी एंड एल लिखा करूंगी भाई, पी एंड एल, और साथ में लिखा होता डेबिट, तो ये लॉस होता, लॉस होता तो ये डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में आता। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक अकेला वर्ड है डेप्रिसिएशन, एक वर्ड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों में डिफरेंस है, बोलो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके लेट्स डिस्कस दिस, दीज टू पॉइंट्स, डेप्रिसिएशन वर्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन डेबिट होता है अनडाउटेडली बिकॉज इट इज आर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इट इज द एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस अभी चार्ज नहीं हुआ, आपने पहले से उसके लिए प्रोविजन बना के रखना शुरू कर दिया कि हो सकता है अगले साल मेरे को इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़े और उसके लिए मैं पहले से ही पैसा साइड पे रख रही हूँ. दैट इज व्हाट प्रोविजन. सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बीइंग डेबिटेड. बस अलग से हमारा चैप्टर है 12 और 13. इन दैट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू टर्म्स इन डिटेल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बीइंग एन इनकम ऑफ द बिजनेस. हाँ जी बोलो. डेप्रिसिएशन इज माई एक्चुअल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर. आई ऑलवेज कॉल इट एज एन एक्सपेंस और साथ में एक मैं प्रीफिक्स लगाती हूं नॉन कैश एक्सपेंस. ठीक है. बीइंग एन एक्सपेंस इट इज टू बी डेबिटेड. प्रोविजन का मतलब क्या है? टू कीप असाइड द मनी फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन. 2021 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है उससे पहले ही आपने 2020 में इसका प्रोविजन बना के रख लिया था. जब प्रोविजन बना के रख लिया था तो ये क्रेडिट. द एक्सपेंसेस व्हिच यू मे फेस इन द फ्यूचर फॉर दैट यू ऑलरेडी मेकिंग एन अरेंजमेंट इन द प्रीवियस ईयर. दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोविजन. ठीक है. फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. सो दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज आर इनकम. इज इट एन एक्सपेंस फॉर समबडी? फॉर हूम? फॉर बिजनेस? फॉर बिजनेस? फॉर प्रोप्राइटर. बिल्कुल ठीक है. एडवांस फ्रॉम कस्टमर. विच टाइप ऑफ एडवांस वी मे रिसीव फ्रॉम आर कस्टमर? विच टाइप ऑफ एडवांस वी मे रिसीव फ्रॉम आर कस्टमर? बिल्कुल ठीक है. उन्होंने हमें ऑर्डर दिया और हमने सामान बना के उन्हें सप्लाई करना है. फॉर दैट वी रिसीव एन एडवांस. जब तक हम सामान बना के उन्हें सप्लाई नहीं करते तब तक ये एडवांस हमारी लाइबिलिटी बना रहेगा. एग्जाम्पल नंबर टू पे आ जाओ. फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं करनी. प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. कितने कॉलम सिखाए हैं? चार. ठीक है. पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम नेचर ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट. ठीक है जी. फोर कॉलम्स बनाए ट्रायल बैलेंस. अगर डेट देता है तो डेट वही लिखेंगे. ट्रायल बैलेंस एज एट. बेटे एक वर्ड एट है, एक ऑन है, दोनों में डिफरेंस है. मैं एट लिखना प्रेफर करती हूँ. हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग भी कहती है एट वर्ड लिखना. दोनों में डिफरेंस है. बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन में ऑन वर्ड लिख रहा है ना, सोल्यूशन में एट वर्ड लिख रहा है. आपको क्या लगता है इंटरचेंजेबल वर्ड है या दोनों में डिफरेंस है? एनीबडी? हम हमेशा एड वर्ड लिखा करेंगे. क्यों? ऑन का मतलब है पर्टिकुलर डेट, एड का मतलब है ऑन पर्टिकुलर डेट एट अ पर्टिकुलर टाइम. अगर आपका बिजनेस शाम को 8 बजे बंद होता है तो 8 बजे ट्रायल बैलेंस ये था 31 मार्च को. बड़ी बड़ी कंपनीज का बिजनेस अगर शाम को 5 बजे बंद होता है तो दे ऑलवेज प्रेफर टू राइट विद देयर बैलेंस शीट वर्ड एट बिकॉज दे आर Saying to the general public कि ये balance sheet शाम को 5 बजे 31 मार्च के दिन ये वाली assets और ये वाली liabilities हमारी possession में थी. ठीक है. तो at word is most preferable word which our international accounting stresses support. हम हमेशा plus two class में भी at word लगाया करेंगे with our final accounts. चाहे हम P&L account बनाए चाहे हम balance sheet बनाए हम हमेशा at word लगाया करेंगे. ठीक है. On a particular date at a particular time. ठीक. चलिए जी बनाइए चारों कॉलम्स. आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस आएगा, आपको करेक्शन करने को बोलेगा. पेपर में हिंट क्या होगा? दोनों साइड्स का मैच होना विल बी अ हिंट कि आपने ट्रायल बैलेंस ठीक बनाया है. ठीक है. दोनों साइड मिल जाती हैं डेबिट और क्रेडिट. दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज नेम ऑफ अकाउंट्स. डेबिट क्रेडिट ऊपर लिखो इन रॉ. चाहो तो फोर साइड से क्लोज कर देना. चलो जी पहली आइटम लिखो कैपिटल. उसने भी क्रेडिट में लिखी है, लिखते भी क्रेडिट में ही है. नंबर वन कैपिटल. डिजिट के नीचे डिजिट लिखना बाद में आपके लिए टोटल करना आसान हो जाएगा. चाहो तो जिस कॉलम में उसके पैरेलल कुछ नहीं है तो ऐसे स्लैश डाल दीजिए या डैश डैश डाल दीजिए. आपके लिए उसके बिल्कुल पैरेलल अमाउंट लिखना आसान हो जाएगा. स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक दे आर लुकिंग एट द बैक अगेन एंड अगेन. ड्रॉइंग्स दीज आर टू बी डेबिटेड. हम भी इसे डेबिट ही करेंगे. नंबर टू ड्रॉइंग्स 20,000. आगे चलते हैं मशीनरी. शुड आई डेबिट और क्रेडिट? इफ डेबिट वाई, इफ क्रेडिट वाई?
मशीनरी इज माई एसेट, एसेट्स आर ऑलवेज बीइंग डेबिटेड। बेटा जी यहाँ पे जो इसने ट्रायल बैलेंस बनाया है हर आइटम का, या तो ये डेबिट बैलेंस लिख रहा है या क्रेडिट लिख रहा है या दोनों बैलेंस लिख रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहीं पे रुकती हूँ। आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बार आएगा कि एक अकाउंट के दोनों साइड पे बैलेंस हो। अब मशीन का डेबिट में 120 है, क्रेडिट में 10 है, इट मीन्स कि 120,000 की मशीन खरीदी है, 10,000 की बेची है, हम नेट से ट्रायल बैलेंस बनाए। सो दिस मेथड आई एम फॉलोइंग विद नेट बैलेंसेस। नेट बैलेंसेस कैपिटल की दोनों में कुछ नहीं था, एक में ही था, तो दैट इज ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड। ड्रॉइंग्स का एक ही कॉलम में था, और ड्रॉइंग्स का हो भी नहीं सकता, कैपिटल का भी नेगेटिव हो सकती है, कैपिटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई दैट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ड्रॉइंग्स अनडाउटेडली इज ऑलवेज डेबिटेड, मशीन कैन बी क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री ना। मतलब क्या है, इसने लेजर अकाउंट नहीं बनाए। मान लो इसने लेजर अकाउंट बनाए होते तो भी हमें एक ही बैलेंस देता। इसने बोल दिया कि जर्नल एंट्री में एक बार मशीन क्या हुई है डेबिट, दूसरी बार मशीन क्या हुई है क्रेडिट, तो हमने ट्रायल बैलेंस में नेट अमाउंट डालनी है, दोनों अमाउंट थोड़ा बार डालनी है, ठीक है। तो अगर एक बैलेंस के आपको डेबिट में भी अमाउंट मिले, क्रेडिट में भी अमाउंट मिले, तो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। और कैसे डिसाइड कैसे करना है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन कहाँ पे लिखना है, जो साइड बड़ी है, ठीक है, और वैसे भी उसकी नेचर के अकॉर्डिंग लिखना है। मशीन की डेफिनेटली डेबिट बड़ी होगी तभी डेबिट में लिखेंगे ना। 120 में से क्या माइनस करना है, 10,000, सो मशीनरी आई विल बी राइटिंग 110। नेट बैलेंस इज ऑलवेज वी राइट, देखना मैं डिजिट के नीचे डिजिट लिख रही हूं, मेरे लिए बाद में टोटल करना आसान हो जाएगा। रामदास डेबिट में 52, मेरे को नेचर कौन बताएगा, डेबिट में 52,000 है, क्रेडिट में 30 है। रामदास समृद्धि आप बोलो, डेबिट में 50 है, क्रेडिट में 30 है, 52 है और 30 है, क्या मतलब है? रामदास डेटर्स है 52,000 के लिए और हमारा क्रेडिटर्स भी है 30,000 के लिए, इज इट क्लियर? मीन्स मैंने रामदास से अगर 52,000 लेना है तो 30,000 उसे देना भी है, तो मैं नेट लिखूंगी ना, नेट मेरा वो क्या बन गया, 22,000 से डेटर। मान लो उलट होता, क्रेडिट में 62 होता और डेबिट में 52 ही होता, तब वो मेरा क्रेडिटर बनता 10,000 के लिए, एम आई राइट? पर्सनल अकाउंट कैन शो बोथ द बैलेंसेस, दैट कैन ईदर बी द डिफरेंस बी द डेबिट साइड और कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड, इज इट क्लियर विद एवरीवन? व्हाई आई एम राइटिंग द डिफरेंस ऑन द डेबिट, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर, ही इज गोइंग टू बी माई डेटर फॉर द बैलेंस अमाउंट। रामदास दोनों का डिफरेंस लिखो, 22,000 डेबिट में, डिजिट के नीचे डिजिट। हाँ कम टू नेक्स्ट, जानकी लाल चलो गर्व बताओ, आप एक्सप्लेन करो इन योर ओन लैंग्वेज। डेबिट में लिखा है 32,000, क्रेडिट में लिखा है 136। ओके जो लेने हैं नहीं गलत, पहले ठीक बोल रहे थे। हाँ डेबिट में होता है ना लेने, डेबिट का मतलब लेने हैं पैसे, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट इज आवर एसेट, और एसेट तभी होगा जब हम लोगों ने उनसे लेना है। जानकी लाल से लेना कितना है 32, देना कितना है 32, बीच में से माइनस करो 104,000 उसे दे देंगे ना नेट से, तो जानकी लाल इज गोइंग टू बी माई क्रेडिटर इन दिस केस विद 104,000, इज इट क्लियर विद एवरीवन? जानकी लाल दोनों का डिफरेंस 104,000 आएगा, 136 माइनस 32, आप नाम लिख लो जानकी लाल। शिव कुमार 2000 क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट इज मोर, 2000 आई एम राइटिंग, डिजिट के नीचे डिजिट, शिव कुमार नाम लिख लो। बैंक, बैंक में जमा है 116 और बैंक की तरफ हमारी लायबिलिटी है 30,000, व्हाट इट मींस? बिल्कुल ठीक, देना है, हाँ मनी विद द बैंक, 86,000 इज मनी विद द बैंक, 30,000 विड्रॉ कर लिया, क्रेडिट का मतलब यह विड्रॉ कर लिया, 116 हमारा जमा था, 30,000 विड्रॉ कर लिया, अभी भी 86 है ना बैंक का बैलेंस, 86 डेबिट, बिकॉज डेबिट साइड वॉज ग्रेटर। कैश, कैश कितना बेटा जी, क्या मतलब है कैश के डेबिट और क्रेडिट का, 80,000 इनकमिंग ऑफ कैश है, 60,000 आउटगोइंग ऑफ कैश है, कैश इन हैंड कितना हुआ 20,000 डेबिट। नेक्स्ट परचेसेस, नेगेटिव का भी होती नहीं है, ये 1,50,000 डेबिट ही रहना है, 1,50,000। आगे चलो सेल्स,
इनकम होती है हमेशा टू बी क्रेडिटेड। चलो जी टोटल करो, चेक द टोटल 120, 130, 152, 152, 172, 172। मैं रैंडमली निकाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से करो। 236, 8, 10, 4,08,000 है। दूसरी साइड का भी सेम है, ठीक है। कैलकुलेशन शुड बी फास्ट एंड एक्यूरेट, डन। डिजिट के नीचे आप डिजिट लिखोगे तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर लेते हो, मैं शॉर्ट पार्ट्स में करती हूँ, ठीक है। दैट इज इजी फॉर मी, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू गेट द टोटल, दोनों साइड्स का मैच हो। सो विच मैथड वी हैव डिस्कस टूडे, नेट बैलेंस मैथड। ट्रायल बैलेंस को बनाने का ये नेट बैलेंस मैथड है। पेशन करो, फॉलो अप टू करना शुरू करो। ऑन पेज नंबर 10.12, दैट इज योर वर्क नाउ, सॉल्व इट।